यह जो अस्पताल है यह औराई प्रखंड अंतर्गत महेश्वारा पंचायत के महेश्वारा गांव में है। 20 साल पहले इस अस्पताल का निर्माण हुआ और 15 साल से, क्योंकि 3-4 साल इसको बनने में ही लगा, और लगभग 15 सालों से यहाँ पर ना कोई डॉक्टर आया है, ना कोई एएनएम आई है। ऊपर में पेंट करके एएनएम वगैरह का नाम लिखा हुआ है, उस नंबर पर कॉल भी किया जाता है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है। कारण यह हुआ कि 15 साल से कोई नहीं आया है तो यहाँ पर अतिक्रमण हो गया है, गाय बांधा हुआ है, अंदर में गाय का खटाल बना हुआ है, वो ओपला रखा हुआ है जिसको गोबर का गांव में चिपरी बोलते हैं, बेड है, कुटकट्टा जिससे चारा मवेशी का काटा जाता है वो रखा हुआ है, मतलब पूरा कम्प्लीटली अतिक्रमण किया हुआ है। न खिड़की है, न जंगला है, न पेंट है, न पोचारा है। और इस तरीके से औराई के दर्जनों अस्पतालों का यही हाल है और ये आसपास की जनता इससे काफ़ी दुखी है, काफ़ी त्रस्त है, काफ़ी आक्रोशित है कि जो इस अस्पताल से उनको स्वास्थ्य लाभ मिल सकता था वो नहीं मिल पा रहा है और मजबूरन यहाँ से निजी अस्पताल में जाना पड़ता है लोगों को। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इस कोरोना काल में कैसे इस बदहाल व्यवस्था से सरकार कोरोना को रोक पाएगी, कि ब्लैक फंगस को रोक पाएगी, कि AES को रोक पाएगी, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। और पूरे औराई का यही हाल है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर राम सूरत राय जी का ये ऑन विधानसभा है और राम सूरत राय जी एकदम योग की मुद्रा में लीन है, मस्त हैं अपने शयन कक्ष में, अपने आवास पर, उनको औराई से कोई मतलब नहीं है। मैं सरकार से पहले भी आग्रह किया हूँ और अब भी आग्रह करता हूँ कि अविलंब औराई के दर्जनों अस्पताल जो भैंस का खटाल, गाय का खटाल बन चुका है, उसको ठीक करने का काम करें। सभी जगह पर चिकित्सकों की नियमित बहाली हो, नियमित बैठे, ANM नियमित आए, टीकाकरण नियमित किया जाए। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हम लोग लॉकडाउन के बाद निश्चित रूप से आंदोलन करने को मजबूर होंगे और एक दो नहीं, ये जन आंदोलन होगा और भारी आक्रोश आंदोलन होगा, क्योंकि औराई में 70 से ज़्यादा अस्पताल हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र, जिसको अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं और प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं, सबका हालत खराब है। दीनबंधु क्रांतिकारी अध्यक्ष बिहारी वासेना।